ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री नारायणाय नमस्तुते, श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय, आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिय की जानन हार, हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भय भंजन श्री कृष्ण जी से मैं दास यही मांगता हूं। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से आपके भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभो, मैं आपकी शरण में पड़ा हूं, मैं अति दीन और आप परम प्रवीण दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, आपके संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूं। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का भावार्थ प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहां बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहां हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहे, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहां ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो। सात अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशिराज, पुरोजित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धाभिमन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूं। स्वयं आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिनके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए
और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गौमुखादि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांच जन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अपराजित सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ, और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, श्वसुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारें तो भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं, ये सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी
हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर कर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे के भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय समाप्त। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें से तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर मुझे कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ, और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्तते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहकर सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नयन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्याप्तता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्याप्तता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं, सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं
सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था, उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे, वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है, तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तूने क्या सिखाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ, यानी तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गए, एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था, तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े, उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए,
नित्य प्रति स्नान करे और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। ओम नमः इति।